मैं राजू सिंह अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कारण ढेर सारी मुद्रास्फीति की शब्दावली हम लोग देखेंगे। यानी कि क्या क्या देखेंगे जरा आपको ये बता दें। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं, मुद्रा अस्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा संस्फीति किसे कहते हैं, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं और जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, मनी इल्यूजन मुद्रा भ्रम जाल क्या होता है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, मुद्रा स्फीति सर्पिल बोलते हैं, और फिलिप्स कर्व क्या है और राजकोषीय कर्षण फिस्कल ड्रैग क्या है। इतनी शब्दावलियां आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा एक एक करके। तो और प्रश्न के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि यहीं से प्रश्न आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं, आप हल भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। और आज आपका यह कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। अब तक हमारे साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, सबको गुड इवनिंग। सागर कुमार, गौतम कुमार, सुनील डिंडे, नेहा दलाल, सोनी भारती, पायल गर्ग, ठीक है। चलिए, ललित कुमार जी, तो मैं आगे अब टॉपिक को शुरू करता हूं। देखिए, पहला शब्द हम लेंगे इन्फ्लेशन का, एक एक शब्द पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं इन्फ्लेशन, हिंदी में लिखा मुद्रास्फीति, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं डेफ्लेशन। अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन एक साथ रखने पर कंपेरेटिव स्टडी होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया जाता है वह इनकी समझ पर आधारित होगा, ठीक है। क्योंकि बिना तुलना किए सही ज्ञान इसका नहीं हो पाएगा, यही वजह है कि मैं साथ में रख रहा हूं। और हिंदी अंग्रेजी का चक्कर है इसमें, वह भी समझ लीजिएगा। डेफ्लेशन, मुद्रा संकुचन सिंपल बोलते हैं, लेकिन सही अर्थों में इसको बोला जाता है मुद्रा और अपस्फीति। बहुत बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां प है, अप है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ी देर के में अंदर यहां लिखूंगा डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन इसका मतलब मुद्रा औ। अब यही आपको क्लियर करना है, एक छोटी से शब्द है प और यहां है व, औ स्फीति, ठीक है। आप लोगों से गलती ना हो, इसीलिए मैं हिंदी के साथ अंग्रेजी के टर्म भी रख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जानिएगा, इसी के लिए एक दूसरी हिंदी शब्द भी उपयोग होता है, मुद्रा विस्फीति भी बोलते हैं। अब पता नहीं कौन से शब्द से वो पूछ ले और मैं आपको कौन सा एक शब्द पढ़ा दूं, आते हुए भी छूट जाएगा। इसीलिए हमने यह स्ट्रेटजी रखी है कि अंग्रेजी के शब्द एक ही यूज होगा, हिंदी में कई तमाशा हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजी का एक ही शब्द यूज होगा, ठीक है। क्या होता भी मैं बता रहा हूं, पहले अंतर रख लीजिए। और यहां पर मैं लिख रहा हूं रेफ्लेशन, अंग्रेजी में रेफ्लेशन और हिंदी में मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति, ठीक है। अब आइए,
हाँ बिल्कुल दीपू कुमार जी, टॉपिक अच्छा से बताएंगे, आप देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा आपका। आइए अभी इन चार को रख रहे हैं, फिर क्योंकि जगह की समस्या हो जाएगी। अब देखिए, इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति किसको कहते हैं? सिंपली आप सभी जानते हैं, महंगाई। अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो कैसे परिभाषित करूंगा? वस्तुओं तथा सेवाओं के एक निर्धारित समय में औसत मूल्य में होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया, ये वस्तुओं तथा सेवाओं के एक निर्धारित समय में, निर्धारित समय क्यों? 1 महीने के समय पर डेटा जुटाए जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य लिए जाते हैं। ठीक है, बारीकी थोड़ा अभी बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट को सिखा लेने दीजिए। WPI में वस्तुएं ही केवल हैं, सेवाएं नहीं हैं, जबकि CPI के अंदर, ये पहले पढ़ा चुका हूं इसीलिए अब यहां पर क्लियर कर पा रहा हूं। जो लोग हमारे WPI CPI का वीडियो नहीं देखे प्लीज देख लीजिएगा, मुद्रास्फीति के ऊपर भी होने के कारण, और वो सब भी पढ़ाए हैं वो भी देख लीजिएगा, यहां पर हम टर्म क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं तथा सेवाओं के एक निर्धारित समय में औसत मूल्य में होने वाली वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, और जिस दर से यह वृद्धि होती है उसको हम मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। ठीक है, ये अभी जनरल बताया हूं, और स्पेसिफाई बताऊंगा अभी थोड़ा कि आपकी समझ विकसित हो जाने दीजिए, फिर देखता हूं। जबकि ठीक इसका अपोजिट यहां पर क्या होगा? इसी परिभाषा को दो शब्द केवल बदल करके हम परिभाषा बना लेंगे। वस्तुओं तथा सेवाओं के एक निर्धारित समय में औसत मूल्य में होने वाली कमी को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, केवल एक शब्द चेंज हुआ, होने वाली कमी को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा इसके बारे में आपको एक आइडिया दे दूं ताकि देख करके सीखने का ज्यादा अच्छा होता है। ये बॉल है, और बॉल में से हवा निकल गई और बॉल क्या हो गया? पिचक गया। तो मुद्रा अपस्फीति का मतलब इसकी क्षमता निकल गई और बॉल क्या हुआ? पिचक गया। यही है मुद्रा अपस्फीति, यानी रेट का गिर जाना। ठीक है, अब ये होता कैसे है वह सिखा लेता हूं तो आगे बढ़ूंगा। आइए एक सिंपल एग्जाम्पल, 5 पेन बराबर 5 रुपया। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हमको नहीं मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 पेन बराबर 5 रुपया, 1 पेन बराबर 1 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में पेन का उत्पादन बढ़ा है, पेन का उत्पादन बढ़ा है 8 पेन, और संयोग से यानी कि 10 रुपया अर्थव्यवस्था में आया, तो 1 पेन बराबर कितना होगा? 1 रुपया 25 पैसा। कहने का मतलब कि जो पेन कल तक 1 रुपये की मिला करती थी, वस्तु की तुलना में मुद्रा के अधिक हो जाने से, यानी अब 10 रुपया 8 पेन को खरीदने की कोशिश कर रही है, इससे पेन का मूल्य बढ़ करके 1.25 रुपया हो गया। इसको हम कह रहे हैं महंगाई, कह रहे हैं इन्फ्लेशन, कह रहे हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? आपने सुना कि मूल्य गिर जाता है, तो कितना गिरता है, कैसे गिरता है, थोड़ा उसको भी समझ लें एक बार। 5 पेन बराबर 5 रुपया, 1 पेन बराबर 1 रुपया। माना कि पेन का उत्पादन उतने ही जारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मनी का फ्लो कम हो गया है, डिमांड कम हो गया है, लोगों के पास मुद्रा कम है, तो इससे होगा क्या? अब 1 पेन बराबर 60 पैसे, 60 पैसे कंपनी मालिक को नुकसान हो रहा है, कारखाना बंद कर दिया और उसमें लगे लोग बेरोजगार हो गए। तो यहां की समस्या क्या है? बेरोजगारी है, और होने का कारण क्या है?
वस्तुओं की तुलना में मांग कम, मनी का फ्लो कम। सामने आपको एग्जांपल दिख रहा है, 5 पेन बराबर ₹3, 1 पेन बराबर ₹60। ठीक है, हुआ क्या, पता चला कि जो एक स्टैंडर्ड लेवल है प्राइस का, उससे भी नीचे चली गई, उससे भी नीचे चली गई, यह नकारात्मक हो गई। जरा इस शब्द को ध्यान रखिएगा, हमें अच्छे से सिखाना है, नकारात्मक हो गई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, यहां की समस्या क्या है, महंगाई है, और यहां की समस्या क्या है, बेरोजगारी है, मंदी है। होने का कारण क्या है, यहां वस्तु की तुलना में मनी का प्रवाह डिमांड ज्यादा है, और यहां पर वस्तु की तुलना में मनी का फ्लो प्रवाह कम है, मांग कम है। पिक्चर क्लियर है? अब देखिए, अब यह समस्या आपको नजर आई और यह भी समस्या नजर आई, अब मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने की बात कर रहा हूं। इस समस्या का समाधान कौन सा है, डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा विस्फीति। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक कंट्रोल होगा, या तो उत्पादन बढ़ा दिया जाए, पहला सोल्यूशन, उत्पादन बढ़ा दिया जाए, लेकिन तत्काल उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता है। उत्पादन बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करना, सप्लाई साइड रिफॉर्म के द्वारा, इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं, यह लंबे अवधि में होगा, समय लगेगा। ठीक है, लेकिन तो तत्काल हमको कंट्रोल करना है तो क्या करें, तो तत्काल कंट्रोल करने के लिए हमको दूसरा काम, मुद्रा के प्रसार को अवशोषित किया जाए, मुद्रा के फ्लो को रोका जाए। जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं बैंक के चैप्टर में, आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत विभिन्न उपायों से मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है, वही वाली बात है। ठीक है, अब यहां विस्तार करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हाँ किससे होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट सीखिए, जहां प्रश्न बनेगा तो चूकने के चांस ज्यादा होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप नहीं चूकेंगे। कैसे सर, आप यहां बता रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल यानी प्राइस डाउन। हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं, और यहां भी यही बता रहे थे आप, मूल्य गिर गया, मूल्य गिर गया। लेकिन इस गिरने में सर क्या अंतर है, थोड़ा क्लियर करिए सर। तो क्लियर कर रहा हूं, यहां पर नकारात्मक हो गया है, यानी स्टैंडर्ड से नीचे चला गया है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, डिसइन्फ्लेशन वाले में मान लीजिए कि 10% तक महंगाई गई हो, उसको कंट्रोल किया गया 8, 6, 4, 0 से नीचे नहीं, 10 से नीचे 8, 6, 4, इसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा विस्फीति। यह डिफ्लेशन से, मुद्रा अपस्फीति से बिल्कुल अलग है, यह महंगाई को नियंत्रित करता है, न कि नकारात्मक बनाता है। और यह क्या करता है, नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है, यहां मंदी बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अभी हम आपसे रिपोर्ट लेंगे कि कितना समझ में आया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं रिफ्लेशन की, चूंकि हमारे फोटो से यहां पर यह घिर जाएगा, इसीलिए मैं ध्यान रख रहा हूं, किसी ने रिक्वेस्ट किया था और मैं कभी भूल जाता हूं, यहां भी लिख देता हूं, तो यहां पर बात कर रहे हैं, यहां इसके लिए मैं यहां बात कर रहा हूं, ये आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये देखिए रिफ्लेशन में क्या होगा, इस समस्या का यह समाधान है, इस समस्या का यह समाधान है, क्या क्या है वो देखिए। अगर 5 पेन है और ₹3 है, ऐसी सिचुएशन है, तो अब क्या होगा, दो तरीके से, आरबीआई ब्याज की दर सस्ती कर दे, बैंक आसानी से ज्यादा लोन बांटने लगे, तो यह मौद्रिक नीति के माध्यम से हो जाएगा। और फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, आप पिछले वीडियो में सब देख चुके हैं, देखते रहिएगा पिछले वाला, जो लोग पहली बार आज देख रहे हैं, तो फिस्कल वाले में सरकार क्या कर दे, अपनी बजट से खर्चा बढ़ा दे, सब्सिडी दे दे,
ताकि पैसा छूट के लोगों के हाथों में जाए और लोग मांग करना शुरू करें। सरकार शुरू कर दे ढेर सारी योजनाएं, विकास योजनाएं, सड़क बनाना, बांध बनाना और तमाम उत्पादन केंद्र खोल देना, ताकि उसके माध्यम से सरकार के बजट से पैसा छूटेगा, हम आपके जेब में आएगा, हम आप अपनी ज़रूरतों की मांग करने लगेंगे। और इससे क्या होगा, 5 पेन 3 रुपया जो है वह 4 रुपया, 5 रुपया, ठीक है, और आगे भी बढ़ सकता है। यानी कहने का मतलब कि ये देखिए 3 से 4, 5, अब 1 पेन कितने का मिलेगा, 1 रुपये का। क्या हुआ, थोड़ा अभी कन्फ्यूजन, और यह कन्फ्यूजन दूर कर लेने दीजिए मुझे। आपको हमसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है राजू सिंह सब जानते हैं। आपके मन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वह मैं बताता हूं। ये देखिए, ये मूल्य बढ़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि सर ये तो इन्फ्लेशन हो रहा है। एक सेकंड, ये तो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहा है, क्या इन्फ्लेशन है? नहीं नहीं, ये इन्फ्लेशन नहीं है, यह तो अब जो नीचे गिर गया था नकारात्मक, वह अपने लेवल पर चढ़ रहा है, वह अपने लेवल पर आ रहा है। इसको हम महंगाई नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मुद्रा संस्फीति कहेंगे, इसको रिफ्लेशन कहेंगे। जो नकारात्मक हो गया था इसको सुधार करके ऊपर लाया जा रहा है, इसको महंगाई नहीं कहेंगे, यह इन्फ्लेशन नहीं है, यह क्या है, रिफ्लेशन है। अगर चारों शब्द क्लियर हो गया हो तो जरा अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए। हाँ, बैटरी लो हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है, ठीक कर दिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। तेज पढ़ाइए, मतलब आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है, या गति बढ़ा दें, क्या बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अतुल शर्मा जी, सर ऐसे ही पढ़ाइए, चलिए, थैंक यू वेरी मच, अगर मैं समझा पाया तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक, आइए अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, अभी तक आपको 4 शब्द सिखाए थे, अब इसी के अंदर अगले पेज पर समझाऊंगा, लेकिन यहां से एक बार भूमिका क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मंदीगत स्फीत, हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ लेके चलिए, ज्यादा समझ में आएगा और कहीं परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने आपसे कहा था कि यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का केवल हिंदी इंग्लिश के चक्कर में 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है और उतने से ही वो परीक्षा से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग अंग्रेजी का सपोर्ट लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे ही हिंदी के शब्द में उलझन महसूस हो, ठीक बगल में अंग्रेजी में लिखा होता है, एक बार देख लीजिए। आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, कोई कसम नहीं खाएं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग को ही जो है कंपलसरी पेपर भी देना होता है, वहाँ भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हमें नज़र घुमा कर उसमें अंग्रेजी के क्वेश्चन को देखने में क्या दिक्कत है, 2 क्वेश्चन बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, 1 क्वेश्चन भी 2.5 अंक बहुत, 2 अंक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हजारों हजारों लड़के निचले लेवल से पीटी से ही बाहर हो जाते हैं, भविष्य उनका खराब हो जाता है। आइए, मंदीगत स्फीत, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, ये क्या है, जब अर्थव्यवस्था में
महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ विद्यमान हो तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आप ये कह रहे हैं सर, अभी तो आप दिखा रहे थे कि ये दोनों अपोजिट समस्या है, अपोजिट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कैसे जो है कि एक साथ कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, और होता है तो किन कारणों से होता है उसको कहते हैं। कारण क्या है? जैसे यहाँ पर कारण बता रहे थे कि वस्तु की तुलना में मुद्रा ज़्यादा, वस्तु की तुलना में मुद्रा कम, तो यहाँ पर कारण क्या है? यहाँ पर कारण है लागतों का बढ़ जाना, कॉस्ट बढ़ जाना, लागतों का बढ़ जाना, ठीक है। अब मैं अगले पेज पर इसको समझाऊंगा, नहीं तो ये आप लोग को उतारने में दिक्कत हो जाएगी। आइए, यहां बात कर रहा हूं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी ये स्टैगफ्लेशन। मैंने कहा मंदी गति स्फीत, मैंने कहा कि लागत के बढ़ने के वजह से होता है, लागतों के बढ़ने के वजह से होता है। तो जरा इसको कॉन्सेप्ट एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लीजिए। और देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 30 रुपया है, और मैं इस 30 रुपये से यह मारकर 10-10 रुपये की 3 खरीद कर यूज करता हूं, तो 10-10 रुपये की मैं 3 मार्कर खरीदता हूं, ठीक। लेकिन पता चला कि अभी अभी जो युद्ध का माहौल बन रहा है, अमेरिका के अटैक से इराक के अंदर और ईरान के सेनापति को मारने की वजह से जो क्रूड प्राइस बढ़ेगा, बढ़ गया है, आपने कल भी सुना था $3 एक प्रति बैरल बढ़ गया है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से इस समय कसाकसी लग गई है। तो अगर ऐसा हो जाए तो नो डाउट क्रूड का रेट हमारे देश में महंगा आएगा, ऐसी सिचुएशन में केमिकल के प्राइस बढ़ जाएंगे, और स्पेन का प्राइस बढ़ करके हो गया ₹15, ठीक है। लेकिन मेरा पैसा क्या इतना जल्दी से बढ़ जाएगा कि मैं 3 खरीद लूंगा? ₹45 मेरे पास कहां से आएगा? मेरे पास तो 30 रुपये है, तो मैं अब कल से 2 ही पेन खरीदूंगा, और तीसरे पेन की जो उत्पादन हो रही थी देश में, उत्पादन की क्षमता है, इसमें एक व्यक्ति लगा था रोजगार में, अब मैं नहीं डिमांड कर रहा हूं, अब यह उत्पादन नहीं होगा, यह व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा। कहने का मतलब महंगाई भी हो गई और इधर बेरोजगारी भी हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, महंगाई भी हो गई, बेरोजगारी होने के पीछे क्या कारण था? लागतों का बढ़ जाना, कॉस्ट का बढ़ जाना। भारत लंबे समय तक स्टैगफ्लेशन का शिकार रहा था तेल मूल्य के बढ़ने से, क्योंकि थोड़ा इसके पीछे का बैकग्राउंड एक लाइन जान लीजिए। आप जानिए कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ओपेक ये क्या है? 1960 में गठित हुआ था, लेकिन 1973 से इसने जो तेल का मूल्य बढ़ाना शुरू किया, $3.5 से $11 इसी साल, यानी 1973 में, और 79 आते आते इसने कर दिया $35, यानी क्या दिख रहा है आपको? 10 times, 10 गुना मूल्य बढ़ गया। इससे हमारा आयात बिल बढ़ गया, इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ी, समस्या बढ़ा, क्योंकि ये क्या करता है, क्रूड का रेट बढ़ना क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, ठीक है। केवल तेल का मूल्य नहीं बढ़ता है, तेल के मूल्य बढ़ते ही परिवहन की लागत बढ़ जाती है, सब्जी फल और अनाज के ढुलाई मूल्य बढ़ जाते हैं, और उनका भी रेट बढ़ जाता है, हर चीज का रेट बढ़ जाता है। ये तो इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो इसका नियंत्रण हो सकता है एक तरफ मांग को बढ़ावा देकर के, ताकि इस क्षमता का यूज हो जाए। और आप जानते हैं कि हमारे देश में, एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, लिंक कर रहा हूं,
मेरे भारत के नक्शे बनाने पर कोई आप कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ नक्शा बनाने का, ठीक है। आइए, बस मेरा इंटेंशन केवल समझाना है। पता चला कि हमारे देश में NHDP का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रोग्राम 1998 में श्री वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया। और इसके अंदर उस समय दो प्रोग्राम, एक को कहते हैं GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरे को कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी तेज गति से पूरे देश में ये जो ठीक है, इससे क्या हुआ, सड़कों को बनाने में स्टील की मांग, सीमेंट की मांग, मशीन की मांग, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा, मजदूर को पैसा, ये सब छूटा है। इससे जो है कि जो हमारी स्टील कंपनियां थी, सपोज करिए कि 100 टन की कैपेसिटी है और 60 टन ही उत्पादन कर रही थी, तो इसको पूरे डिमांड बढ़ने से पूरे फुल कैपेसिटी का यूज होने लगा। तो इस तरीके से इसके सोल्यूशन निकाले गए थे, ठीक है। और जहां पर महंगाई हो रही थी वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये रहा 5 शब्द आपके क्लियर हों तो आप आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, एक शब्द थोड़ा बढ़िया आपको सिखाते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। केवल आज टर्मिनोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम समग्र रूप से इन्फ्लेशन बताने की कोशिश करें तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 697 वस्तुओं पर अगर टोटल का हम इन्फ्लेशन बताएं तो इसको हेडलाइन कहा जाएगा। हेडलाइन से सेंस ये होता है समग्र, इसी को सारी दुनिया देखती है, कहने का मतलब जो पब्लिश होता है तो इसी को हम लोग देखते हैं कि कितना आया है, ठीक है। बाद में अन्य इन्फ्लेशन भी देखे जाते हैं, जैसे हम बात करें कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन ये क्या है, ठीक है, कोर माने गर्म नहीं होता है, जैसा कि कहीं लिखा होगा ना? आप देखिए यहां पर क्या होता है, हेडलाइन माइनस, क्या दो चीजों को मैं माइनस करूंगा, एक है खाद्यान्न आइटम और एक है ऊर्जा आइटम, ठीक है, एनर्जी, इनको माइनस करके शेष बचे चीजों में आप महंगाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कहने का मतलब कि यूरोप में, अमेरिका वगैरह धनी देशों में कोर इन्फ्लेशन निकालने का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उनको इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, शेष बचे चीजों में महंगाई का स्तर क्या है यह जानने के लिए कोर इन्फ्लेशन का उपयोग होता था। हमारे देश में भी हम लोग कोर इन्फ्लेशन अब निकालते हैं। तीसरा स्क्यू इन्फ्लेशन, स्क्यू माने तिरछी, स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है, तिरछी मुद्रा स्फीति, तिरछी मुद्रा स्फीति मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये समग्र वस्तुएं हैं और इनकी महंगाई 10% हो रही है, महंगाई 10% हो रही है, लेकिन पता चला कि कुछ वस्तुएं का समूह है उसमें, या कोई वस्तु वस्तुओं का समूह है, जैसे खाद्यान्न ही मान लिया, और पता चला इसमें तो 20% महंगाई है, तो ओवरऑल समग्र 10% महंगाई है, पर्टिकुलर कोई वस्तु या वस्तुओं के समूह में महंगाई का स्तर ज्यादा है। यह जब मंदी हुई थी 2008 में अमेरिका में, और उसी के बाद भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी 2010 के करीब, ठीक है, यानी कि उसमें यह देखा जा रहा था महंगाई का दर तो कम था ओवरऑल, लेकिन खाद्यान्नों में महंगाई बहुत ज्यादा था, तब उस समय इसको स्क्यू इन्फ्लेशन का नाम दिया गया था, ठीक है। उस साल के UPSC इंटरव्यू में खूब पूछा गया स्क्यू इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने सीखा हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, तीन बातें। अब मैं आगे बढ़ता हूं, GDP, आनंद आ रहा है, अगर आनंद आ रहा होगा तो लिख दीजिएगा,
आनंद आ रहा है और नहीं आ रहा होगा तो भी लिख दीजिए, खुला मंच है, सब दुनिया देखे कि राजू सर से पढ़ने से आनंद आता है या नहीं आता है। ठीक है, आनंद आ रहा है, आनंद शब्द, आनंद आया आनंद नहीं आया, दोनों में चुनाव करके लिखिए तो थोड़ा पता चले हमें भी। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं जीडीपी डेफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डेफ्लेटर, ये डेफ्लेटर क्या होता है वो देखिए, जीडीपी डेफ्लेटर क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए मैं, मेरा मन खुश हुआ कि आप लोगों को आनंद आ रही है पढ़ाई में। ठीक है, आइए अब ये बहुत अच्छा है, धीरे धीरे मैं थोड़ा कठिन शब्दों की तरफ बढ़ रहा हूं। जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं? ठीक है, अब देखिए, जैसे दो तरीके की जीडीपी होती है, यानी हम आपको एक ही शब्द नहीं सिखा रहे हैं, दो शब्द और सिखाने जा रहे हैं। एक को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की जो पढ़ाई होती है एक एक शब्द को सीख करके ही पूरा ये कंप्लीट होता है। ठीक ना, अब एक जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए जीडीपी ही भारी पड़ रहा होगा। ठीक है, जिनको जीडीपी पता है उनके लिए नॉमिनल जीडीपी भारी पड़ रहा होगा, और जो बहुत कुछ जानते होंगे उनके लिए जीडीपी डिफ्लेटर भारी पड़ रहा होगा। अब देखिए मैं सब क्लियर करता हूं, और दूसरा कहते हैं रियल जीडीपी, सब मैं क्लियर करता हूं। पहले तो जीडीपी जो लोग कुछ नहीं जानते उनके लिए, एक वित्त वर्ष में, कहने का मतलब किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्त वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और कहीं हिंदी में इकोनॉमिक सर्वे में आपको यूं पढ़ने को मिलेगा तो घबराइएगा नहीं, सघऊ, ठीक है, सघऊ माने सकल घरेलू उत्पाद होता है। आप लोग अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें ऐसे ही लिखा रहेगा सघऊ। ठीक है, तो ये है। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है, आप जानिए, तब हम पहुंचेंगे डिफ्लेटर पर, जब ये जान लेंगे तब। ये आप जानिए, हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना में आधार वर्ष 2011-12 अपनाया गया है, आधार वर्ष 2011-12। ठीक है, अब मैं खड़ा हूं कहां पर, 2019-20 अभी चल रहा है। ठीक है, अभी 2019-20 चल रहा है, अपने हिसाब से मत गिन लीजिएगा कि 2020 आ गया सर, तो हम भी कह रहे हैं कि 20 आ गया है, लेकिन 31 मार्च तक ये चलेगा अभी, और 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से 2020-21 हो जाएगा। ठीक, अब मैं 2019-20 में माना कि हमारे देश में 100 मार्कर पेन का उत्पादन हुआ। ठीक है, 100 मार्कर पेन का उत्पादन हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस 100 मार्कर पेन के उत्पादन को 11-12 के आधार वर्ष में, माना कि अगर इसका रेट 5 रुपया था एक मार्कर का, और 19-20 में चालू मूल्य इसका माना कि 10 रुपया है, तो देखिए इस साल के उत्पादन को जब मैं आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करता हूं, तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। इसको हम कहेंगे रियल जीडीपी। और जब हम इसी 100 पेन जो इस साल उत्पादन हुआ है वर्तमान मूल्य यानी चालू मूल्य 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1000। इसको मैं कहूंगा नॉमिनल जीडीपी।
ठीक है, पिक्चर क्लियर है। रियल जीडीपी इस वर्ष के उत्पादन को आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करके निकाला जाए तो रियल जीडीपी, और इस वर्ष के उत्पादन को यदि इसी वर्ष के चालू मूल्य से गुणा करके निकाला जाए तो नॉमिनल जीडीपी। पिक्चर क्लियर है। अब बताने जा रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं। अगर जैसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, यह होगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। अब मान लीजिए कि नॉमिनल कितना आया है, 1000 आया है, और रियल जीडीपी कितना आया है, 500 आया है, कितना आएगा, 2। यानी जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 2 है। यानी 2 क्या बता रहा है, आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष, यहां देखिएगा तो समझ में आएगा, आधार वर्ष की तुलना में महंगाई कितनी बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 2 आया, इसका मतलब महंगाई 2 गुना बढ़ गई है। अगर मान लीजिए यही कुछ ऐसा होता, 2000 बटे 500 और आता 4, तो मैं क्या कहता, महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा टाइम देख लूँ, 11, अच्छा भी 17 मिनट बाकी है, कोई नहीं अभी बता दूंगा सब कुछ। इतना क्लियर है, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी, 4 टर्म आपको बताए हैं यहाँ पर। अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता, इसको देख करके आप लोग नोट्स बनाइएगा, यहीं से कन्फर्म करिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द है, जरा अच्छा शब्द है, मतलब थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, वो देखिए बेस इफेक्ट कहते हैं। यूपीएससी इसको पूछ चुकी है, आप सभी जब पेपर हल कर रहे होंगे, मैं भी आपको सारा पेपर हल कराऊंगा, एक बार पढ़ा लेने दीजिए, ठीक है, सब क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा। और जब हमारा ये पीटी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो फिर हम मेंस का भी आपको अभ्यास कराएंगे, ठीक है। बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव किसको कहते हैं, बड़ा बड़ा जो है टेक्निकल शब्द है, ठीक है। देखिए यहां को ओरिजिनल इसकी टीचिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका माइंड तैयार करूंगा, तब इसको पढ़ाऊंगा, वो समझिए कैसे। मैं एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए कोई सरकार है ए, और उस सरकार के 5 साल में कुछ ज्यादा विकास नहीं हुआ, ठीक है, काम नहीं किया उसने, मुश्किल से 100 किलोमीटर रोड बनाई 5 साल, ठीक है, 100 किलोमीटर रोड बनाई उसने। अब दूसरी जो सरकार बनी, बाय द वे, उसने अगले साल पता चला कि 150 किलोमीटर सड़क बना दी, ये भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं क्या, इस 100 किलोमीटर की तुलना में आप क्या कहेंगे, अरे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, 50% रोड बढ़ा दिया, अरे ये तो देखो बनाया कितना, कहने को 50%। और एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, किसी दूसरे स्टेट का ले रहा हूं, ये है सरकार ए, वहां पर 500 किलोमीटर सड़क बनी, ठीक है, जब दूसरी सरकार आई तो उसने वहां पर 550 किलोमीटर सड़क बनाई। तुलना किया गया तो पता चला कि पिछली सरकार से नई वाली सरकार 10% अधिक सड़क बनाई है। अब सोचने वाले समझने वाले कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो देख लीजिए, अरे तुम्हारा सरकार तो फिसड्डी है, 10% ही केवल ग्रोथ किया, हमारे यहां देखो ना 50% हमारी सरकार ने ग्रोथ कर दिया, ठीक है। वास्तविकता जरा सर आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेस बहुत कम था, इससे थोड़ा सा भी काम बढ़ाया तो 50%, और यहां पर पहले ही से इतना ऊंचा हाई फाई बनाया हुआ था कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए यहां 10% ही अधिक रोड बना पाए हैं। यानी कहना क्या चाह रहे थे, अगर बेस कम हो
तो हाई परसेंटेज भी कम दिखेगा और अगर बेस ऊंचा हो तो लो परसेंटेज भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये मैं समझाकर आपके माइंड को तैयार कर दिया हूँ। अब आगे देखिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए अभी आपका माइंड तैयार हो चुका है समझने के लिए। ये देखिए यहां पर 160 है इंडेक्स नंबर। जो लोग इसको थोड़ा कम समझ में आएगा ये इंडेक्स क्या बता रहा है तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा इन्फ्लेशन में ही WPI CPI वाला 160 और यहां दिख रहा है 168 176 ले लेता हूं 176। अब कितना परसेंट है ये, कितना अंतर है 176 माइनस 160 कितना होता है 16। लेकिन क्या आप 16% महंगाई बताओगे? नहीं, 10% महंगाई बताएंगे। ये तो 16 सूचकांक का डिफरेंस है और पिछले सूचकांक 160 का ये कितना परसेंट है तो 10% है। बात समझ में आई? अब देखिए यहां मैं दिखाया 200 इंडेक्स नंबर और यहां दिखा रहा हूं 204। कितना परसेंट इन्फ्लेशन होगा? अब आपको क्लियर है 204 माइनस 200 इजकल टू 4, 200 का कितना परसेंट होता है? 2%। अब देखिए बोलने के मेरे स्टाइल को समझिएगा, वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 10% महंगाई है और यहां वाले के लिए कह रहा है क्या 2% महंगाई है, जबकि वास्तविकता क्या है? यहां पर 17.60 रुपये का गेहूं है और यहां पर कितने, अगर यहां 20 रुपये किलो का गेहूं था तो यहां 20.40 रुपये का गेहूं है। पिछले साल से भी महंगा गेहूं हम खरीद रहे हैं। पिछले साल तो परेशान थे ही मैं 20 रुपये केजी पर, इस साल मैं और थोड़ी सी महंगी खरीद रहा हूं। अब महंगाई के अगर परसेंटेज पर जाते हैं तो कह रहे महंगाई नहीं है, मात्र 2% महंगाई है। वास्तविकता आप देख रहे हैं, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? इसका बेस फैक्ट कम है, इसका बेस कम है और इसका बेस ऊंचा है। बात समझ में आई? यहां हम 2% बता रहे महंगाई है लेकिन वास्तविकता है कि मैं 20.40 रुपये केजी का गेहूं खरीद रहा हूं, पिछले साल से भी 40 पैसा महंगा खरीद रहा हूं, यानी पिछले साल जितना परेशान थे उससे भी कहीं ज्यादा परेशान है। जबकि महंगाई का परसेंटेज बताने वाले हमको बता रहे हैं 2% महंगाई है। बात समझ में आई? पिक्चर क्लियर है? इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। अगर आधार नीचे होगा तो हाई परसेंटेज भी ज्यादा महंगाई नहीं दिखाएगी, यदि आधार ऊपर होगा तो फ्यू परसेंटेज, थोड़ी परसेंटेज वृद्धि भी ज्यादा महंगाई लाती है। इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। पिक्चर क्लियर हो तो आगे बढ़े, रिपीट की तो जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, काफी इंटेलिजेंट है आप लोग। चलिए अभी 10 मिनट टाइम है, अभी और थोड़े से बचे हुए हैं, थोड़ा 1 मिनट ये भी जान लीजिए। आज मैं राजू सिंह 20 सालों से इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, और ये हमारे अनअकैडमी प्लस के टॉप एडुकेटर्स हैं जो पूरे इंडिया भर से आपको सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पर एक साल की फी 40,000 रुपये रखी गई है जो कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी होगा एक साल। और आप मेरे कोड को जरा ईमानदारी से यूज करिए मेरे लिए, ठीक है? तो ये फीस बनती है 36,000 रुपये और 2 साल का जो फीस है वह 64,000 और यहाँ पर भी 10% का कंसेशन मिलेगा आपको, यानी कि 57,600, ठीक है? और इसके अंदर लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस और टेस्ट सीरीज और सारा कोर्स प्री मेंस, ठीक है, प्री के जीएस
सी सैट, मेंस के चारों पेपर, और सबसे खास बात है ऑप्शनल पेपर। सबसे खास बात है कि आप एक ही विषय के कई कई टीचर प्लस पर पाते हैं। आप मेरा पढ़िए, जैसे कि मैं इस समय 9:30 बजे से 11 बजे तक पढ़ा रहा हूँ, 1.5 घंटे, ठीक है। अभी नया फिर जहाँ से समाप्त हो रहा है 3 दिन के अंदर, उसके आगे से मैं फिर शुरू करूँगा। वहाँ पर आप स्पेशल क्लास भी देख सकते हैं। आप मेरे नाम से ऐप पर सर्च करिए राजू सिंह, और वहाँ पर जा कर के स्पेशल क्लास को देख सकते हैं। हमने मेंस के पॉलिटी मेंस के जो है टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं एक एक करके, स्वच्छंद जिसको कि आप लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना, तो वे सारे सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से इस पर जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं, और हमारा नंबर आप लोगों को है ही है। अगर आप ऐप को डाउनलोड करके अंदर नहीं जा पाते हैं तो आप फ़ोन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको जो है। जब वहां जाएंगे प्लस पर, तो वहां पर नीचे लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे, आपको कोर्स आपके सामने आ जाएगा, मैटर सहित आ जाएगा, ठीक है। आप पढ़ सकते आराम से, वो भी फ्री होता है। स्पेशल क्लास भी फ्री होता है, उसको भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब आइए, कोड राजू लाइव का यूज करिएगा। अब आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखिए, एक छोटा सा शब्द है मनी इल्यूजन, अगर बच भी जाएगा तो मैं कवर कर दूंगा किसी दूसरे दिन वीडियो में, आप चिंता ना करें, हमारी ड्यूटी है। मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रम जाल, ये क्या है? जैसे ये सरल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। यह है मिस्टर ए, यह है मिस्टर बी, इनका पेमेंट 5,000, इनका पेमेंट 5,000, ठीक है। 10% महंगाई हुई, दोनों के वेतन वृद्धि कर दिए गए, 5,500 इनको भी दिया गया, और इस तरीके से इनके भी पेमेंट बढ़ के 5,500। लेकिन ये दोनों व्यक्ति इस सिचुएशन में अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया दे रहा है। मिस्टर ए कह रहे हैं 55 मेरा वेतन बढ़ गया, जम के खर्च करो, और बी कह रहा है हर चीज महंगी मिल रही है, 10% महंगी मिल रही, हर चीज महंगी मिल रही है, संभाल के खर्च करो। यानी एक जहां पॉजिटिव कंफ्यूज है, वहीं दूसरा नेगेटिव कंफ्यूज है। उसको हर चीज महंगी लग रही है, और इसको वेतन वृद्धि लग रही है, 500 ज्यादा मिलता है पहले से, जबकि वास्तविकता क्या है? अनचेंज, ठीक है। कोई न बढ़ा के खर्च करने की जरूरत है, न घटा के खर्च करने की जरूरत है। अगर 10% महंगाई हुई है तो आपको 10% वेतन वृद्धि कर दी गई है, इसलिए नो चेंज, पुरानी यथा स्थिति बनी हुई है। लेकिन वह कंफ्यूज है, भ्रमित है, उसको लग रहा है कि ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और एक को लग रहा है कि हर चीज 10% महंगी मिल रही है। इसी को कहते हैं मनी इल्यूजन। आइए आगे देखिए, इन्फ्लेशन स्पाइरल, एकदम सिखा देंगे आपको सब कुछ। इन्फ्लेशन स्पाइरल, ठीक है, ये क्या है? मुद्रास्फीति सर्पिल, हिंदी में बोलते हैं सर्पिल, मुद्रास्फीति सर्पिल, ठीक है। कहने का मतलब, जब मजदूरी बढ़ जाए किसी कंपनी में, कंपनी मालिक ने मजदूरी बढ़ा दिया, अब मजदूरी बढ़ेगा तो नो डाउट वस्तु का जो मूल्य है, लागत मूल्य बढ़ जाएगा, और जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो फिर से कौन, महंगाई होने पर मजदूरी की दर बढ़ाइए, तो मजदूरी बढ़े तो वस्तु का मूल्य बढ़े, वस्तु का मूल्य बढ़े तो मजदूरी बढ़े, एक चक्र चलता ही रहता है। इसी को कहते हैं मनी इन्फ्लेशन स्पाइरल, मुद्रास्फीति सर्पिल। मजदूरी बढ़ाने से वस्तु का मूल्य बढ़ता है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो फिर महंगाई का गाना गाकर मजदूरी की दर बढ़ाई जाती है। आगे आइए, बात करते हैं फिलिप्स कर्व, ये क्या है? मुद्रा और बेरोजगारी में संबंध स्थापित करता है फिलिप्स कर्व। हिंदी में वक्र बोलते हैं, अंग्रेजी में कर्व बोलते हैं, ठीक है, कर्व बोलते हैं। आइए, ये क्या कह रहा है?
कह रहा है कि मुद्रा और बेरोजगार मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है मतलब क्या, अगर बेरोजगारी कम होगी ठीक है, अगर बेरोजगारी कम होगी कहने का मतलब कि तो मुद्रा स्फीति भी विपरीत संबंध में समानुपाती होता है। ये इसका भी अगर बेरोजगारी अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी, ये देखिए ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और खरीदेंगे ही नहीं, खरीदार ही नहीं मिलेंगे, तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस तरीके का रिलेशन होता है। ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी अगर ज़्यादा होगी तो महंगाई में कमी होगी, ठीक है। आज की स्थिति से आप तुलना कर सकते हैं, हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज का डेट में क्या है, महंगाई कंट्रोल में चल रही है, ठीक ना। कारण क्या है, लोगों के पास रोजगार छिन रहे हैं, डिमांड घट रहे हैं, महंगाई तो कंट्रोल होना ही है। आज की स्थिति यही चल रही है, ठीक है। तो यही है, तत्काल प्रभाव से ये दिखता है। ये बात ठीक है कि दूरगामी ऐसा नहीं होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से ऐसा ही दिखता है। आजकल रोजगार में कमी है, महंगाई भी कम है। एक तरफ सरकार खुश हो रही है, बहुत कम है रोजगार, महंगाई कम है, लेकिन एक तरफ ये भी तो देख लीजिए कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्लिप्स कर। टाइम हमारा हो गया है, टारगेट हम एक शब्द और बता दें, अभी एक मिनट टाइम है। राजकोषीय कर्षण, फिस्कल ड्रैग, वैसे तो ये टैक्सेशन के चैप्टर में आता, बजट में आता, लेकिन यहाँ ही बता देते हैं। राजकोषीय कर्षण, फिस्कल ड्रैग बोलते हैं। हमने आपके पूरे टाइम का यूज करा है। राजकोषीय कर्षण, फिस्कल ड्रैग क्या होता है, मान लीजिए कि मेरी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है। तो हमारे देश का नियम क्या कहता है, टैक्स में बढ़ाऊंगा आपको अभी यहाँ तत्काल, केवल एग्जाम्पल पे पढ़ा रहा हूँ। 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो निल टैक्स, कोई टैक्स नहीं। अगर 2.5 लाख 1 रुपीज से अबव 5 लाख तक है तो आपको लगेगा 5% टैक्स आजकल। चलिए मेरी इनकम थी 4,80,000, वैसे फ्री है, मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, वो मत समझ लीजिएगा कि सर को पता नहीं है, मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ। 4,80,000 मेरी इनकम हो, ठीक है, तो मैं टैक्स किस रेट से भर रहा हूँ, 5% की दर से। अब बाय द वे देश में महंगाई हुई और मेरा वेतन बढ़ा दिया गया, भत्ता उत्ता बढ़ा दिया गया, और उसका कारण क्या है, अब मेरे तनख्वाह हो गए हैं 5 लाख से बढ़ करके, 4,80,000 से बढ़ करके 6 लाख, ठीक है। महंगाई की वजह से बढ़ा है, लेकिन अब मेरे ऊपर आफत क्या आ गया, इस 1 लाख की आमदनी पर मुझे अब देना पड़ेगा 20% टैक्स, यानी 1 लाख का 20,000 चला जाएगा। कमाया मैंने 1 लाख और जो है टैक्स गया कितना, 20,000, केवल इस 1 लाख पर, ठीक है। वैसे ओरिजिनल पिक्चर भी बताऊंगा इसका, ये तो केवल एग्जाम्पल के लिए यूज किया, जल्दी से समझ में आ जाए। तो समझ में आई, थोड़े से इनकम बढ़े नहीं कि इतना भारी टैक्स लग गया, सरकार के खाते में रेवेन्यू बढ़ गया, इसी को कहते हैं राजकोषीय कर्षण। थोड़ा परिभाषित कर दे, महंगाई के कारण जब लोग निचले टैक्स स्लैब से ऊपरी टैक्स स्लैब में आ जाते हैं और इससे जो है राजस्व में जो वृद्धि होती है, इसको कहते हैं राजकोषीय कर्षण कहते हैं, फिस्कल ड्रैग कहते हैं, ठीक है। तो अब जाके आपका टाइम पूरा हो गया है, थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग जो है लाइव चैट में लिखते हैं ना, उसको जरा वो जो कमेंट होता है, जो परमानेंट रहता है, उसमें भी कुछ लिखा करें अगर पसंद आता है तो, क्योंकि लाइव चैट तो आपके साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। वीडियो के नीचे
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स होता है जो बाद में कभी भी कोई देख सकता है उसमें लिखिए, आप लोग से निवेदन है, ठीक है। लाइव चैट में जो भी आप प्रशंसा करते हैं उसको उसमें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को जानने और समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप ही जैसे लोग कई बार सर्च करते हैं, पहले वह कमेंट बॉक्स को देखते हैं क्या अच्छा पढ़ाया गया है, तभी वह वीडियो को खोलते हैं और देखते हैं, और नहीं तो फिर सोचते हैं ऐसे ही, क्योंकि चार वीडियो देखा उन्होंने, ऐसे ही घुमा फिरा रहा है, ठीक है, तो सोचते हैं भी घुमा ही फिरा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।